फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है अमंडा का पीटीसी, मैं जा रही हूँ अभी। 9:20 को उसका टाइमिंग है, 15 मिनट्स का उन लोगों ने गैप रखा है, तो मिलते हैं आने के बाद। हम लोग आ गए घर और अभी बच गए 11:10। जा रही हूँ लंच बनाने के लिए और आज मैं बना रही हूँ गोवन मैकरेल फिश करी, मैकरेल फ्राई एंड राइस। गोवन ट्रेडिशनल करी है, एवरीडे गोवन घर में बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्राई फिश को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने लिया 2 मीडियम साइज मैकरेल्स, अच्छे से वॉश करके नमक लगाया है एंड बीच में कट्स डाला है ताकि मसाला अंदर तक जाए। फॉर मैरिनेशन के लिए मैंने लिया 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 लाइम का जूस, आप टैमरिंड पल्प नहीं तो विनेगर भी डाल सकते हैं। एंड सब अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाने का है। एंड फ्रेंड्स, मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने फिश को ऑलरेडी लगाया है। अब ये मसाला दोनों मैकरल्स के ऊपर अच्छे से दोनों साइड में लगाने का है। एंड सारे काट्स में भी अच्छे से बल लेने का है। मसाला फिश को अच्छे से लगाने के बाद फिश को मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा रख दीजिए। जब तक फ्राई फिश मैरिनेट होती है, हम बनाएंगे मैकरेल करी। मैकरेल करी बनाने के लिए मैंने लिया 2 मीडियम साइज मैकरेल्स, अच्छे से क्लीन करके वॉश किया है एंड मैंने एक मैकरेल का 4 पीसेस कर लिया है। आप आपके हिसाब से पीसेस कर लीजिए। नाउ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रखिए। अब हम बनाएंगे करी पेस्ट। उसके लिए मैंने लिया 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, 1 स्मॉल ऑनियंस, विदाउट ऑनियंस भी आप बना सकते हैं, 1/2 टीस्पून क्यूमन सीड्स, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 6 स्मॉल गार्लिक क्लोव्स, अगर बड़ा है तो यू कैन ऐड 1-2, 6 कश्मीरी रेड चिलीज, स्मॉल लाइम साइज टैमरिन मैंने पानी में सोक किया है। एड वाटर एज रिक्वायर्ड, ज्यादा नहीं ऐड करने का है। अब इसे ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाने का है। ये देखिए, इसका फाइन पेस्ट बना लेने का है। अब इस करी पेस्ट को एक बर्तन में डालिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसका पतला सा ग्रेवी बनाने का है। मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ, ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इस करी का थिकनेस थोड़ा पतला होता है और इसे चावल के साथ खाया जाता है। करी का थिकनेस इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब इस करी को अच्छे से बॉईल कर लेने का है और मीडियम टू लो फ्लेम फॉर 5-6 मिनट्स। करी को 2-3 उबाल आने के बाद ऐड ग्रीन चिली एंड टोमेटो एंड फिर से करी को 3-4 मिनट्स बॉईल करिए। करी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब मैकरेल्स के पीसेस को एक बार वॉश करके करी में डालिए।
एड सॉल्ट एज पर टेस्ट। ध्यान रखिए फिश को भी लगाया है। जेंटली स्टर करिए एंड फिश को कुक करिए ऑन मीडियम टू लो फ्लेम फॉर 5 to 8 मिनट्स। एंड फ्रेंड्स, इस करी को ओपन रख के कुक करने का है। करी अच्छे से बॉईल हो रही है। अभी लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ कोकम। जेंटली स्टर करिए। फिश को अच्छे से कुक करके 5 to 10 मिनट्स के बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए एंड आवर करी इज रेडी। एंड फ्रेंड्स, फिश आप अपना चॉइस का ले सकते हैं। यहाँ फिश अच्छे से मैरिनेट हो गई है, अभी इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने लिया सूजी। अब मैकरल्स को दोनों साइड में सूजी में अच्छे से कोट करके लेने का है। एक पैन में अच्छे से गर्म होने के बाद ऐड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेने का है। अब मैकरल्स को गरम तेल में डाल के शैलो फ्राई करिए ऑन मीडियम टू लो फ्लेम फॉर 4 to 5 मिनट्स। फिश एक साइड में फ्राई हो चुकी है। अभी टर्न करके दूसरे साइड में भी 4 to 5 मिनट्स फ्राई कर लेने का है ऑन मीडियम टू लो फ्लेम। एंड फिश फ्राई इज रेडी। एक प्लेट में निकाल दीजिए। इवनिंग को मैं आ गई पार्लर में। एक्चुअली मेरे को हेयर कट करने का था, बाल बहुत बड़े हो गए थे एंड क्रिसमस भी आ रहा है हमारा फेस्टिवल, तो सोचा कट कर लूं। तो मैं लेयर कट कर रही हूँ। पार्लर से आके मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया है। मैंने ऐड किया 2 इलायची एंड जिंजर। एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।